हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एड यूनिवर्स चैनल में। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ वेबजी 2019 से रिलेटेड और आप लोग का जो 2019 में काउंसलिंग होगा उससे रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा एंड अगर आप लोग अभी नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो आइए सीधे वीडियो पर चलते हैं। तो ये जो वीडियो है वो आप लोग को डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो है, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग का ज़रूरी पड़ेगा जब आप लोग रिपोर्टिंग सेंटर पे जाओगे आफ्टर फर्स्ट राउंड के बाद। रिपोर्टिंग सेंटर पे आप लोग जाओगे तो सबसे पहले आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बहुत ही ज़रूरी है, 2019 का एडमिट कार्ड ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को वेबजी 2019 का रिजल्ट कार्ड, जो रैंक कार्ड आप लोग का आएगा वो रैंक कार्ड आप लोग को लेके जाना है। देन सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोग को आएगा वो लेके जाना है। उसके बाद 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड 12th का आप लोग को एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, क्योंकि 10th का जो आप लोग मार्कशीट लेके जाओगे तो वो आप लोग का एज वेरिफिकेशन के लिए देखेगा एंड 12th में एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ये दोनों लेके जाना है 12th का। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है यदि एप्लीकेबल हो। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चे लास्ट में जिनको पता चलता है और वो बनाते हैं, इसीलिए तो बहुत जगह पे आप देखते हो ये जो इफ़ एप्लीकेबल लिखा रहता है, क्योंकि बहुत जगह मांग सकता है और बहुत जगह नहीं भी मांग सकता है इसीलिए। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा अगर PWD से आप बिलोंग करते हो तो। अगर अच्छा डोमिसाइल तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह पे मांगता ही मांगता है और बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में डोमिसाइल बनाते हैं, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि डोमिसाइल बनने में टाइम लगता है, ब्लॉक से बनता है तो डोमिसाइल बना ही लीजिएगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मांगेगा ही मांगेगा। अगर फर्स्ट राउंड के टाइम में नहीं मांगे जहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर है, अगर वहाँ नहीं मांगे तो आप लोग को कॉलेज में मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप है। तो ये सब आप लोग पहले से ही बनवा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप लोग को पता चलेगा तो आप लोग इधर से उधर और नहीं बनेगा तो फिर थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए अभी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जो आपके डैड का इनकम सर्टिफिकेट होगा वो इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, ये जो दो तीन चीज़ें मैंने बोला है, मेडिकल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम एंड PWD एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आप लोग बना लीजिएगा। ज़रूरत पड़ता है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकता है आपको। उसके बाद एक चीज़ बहुत बच्चे को नहीं पता होता है कि जब आप लोग जाइएगा तो कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट लेके जाना, बहुत सारे बच्चे भूल गए। कन्फर्मेशन पेज, नॉट सर्टिफिकेट, कन्फर्मेशन पेज, जो आप लोग ऑनलाइन भरे रहते हो सारा डिटेल्स, वही है कन्फर्मेशन पेज, तो वो भी आप लोग को लगेगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी आप लोग को जाना है। वहाँ पे जब आप लोग रिपोर्टिंग सेंटर पे जाओगे तो आप लोग को बोला जाए कि यस अपग्रेडेशन या अपग्रेडेशन नहीं करवाना है। इसका मतलब ये है कि आप लोग को फर्स्ट राउंड में ही अपना जो आप लोग को मिला है उसको लॉक करवाना है, या फिर आप लोग सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो। तो अगर आप लोग सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो तो यस अपग्रेडेशन करके वो कर देना। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बच्चे लास्ट टाइम में भूलते हैं, जो आप लोग फ़ोटो ले जाना मत भूलिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप लोग फॉर्म में पहले से लगा के रखवाइएगा वो वाला। उसके बाद कुछ स्टेशनरी चीज़ें भी ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि एंड टाइम पे आप लोग को मिले या ना मिले, जैसे पेंसिल, रबर, कटर, स्टेपलर, ये सब चीज़ें मत ले जाना मत भूलिएगा। अच्छा, वहाँ पे आप लोग को बैंक डिटेल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करो तो बैंक डिटेल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग जिस भी प्रोसेस से आप लोग पेमेंट किए हो वो उसका डिटेल ले जाना मत भूलिएगा। अच्छा, 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, हर कुछ ओरिजिनल ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन आप लोगों को करवाएगा। और जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर या फिर आप लोग
रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब जो ले जाइएगा उसका प्रिंट आउट एंड उसका फोटोकॉपी भी ले जाना आप लोग मत भूलिएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग को बताया है, और ये सब चीज़ आप लोग पहले से ही करके रख लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आने वाले वीडियो में मैं काउंसलिंग से रिलेटेड और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग को बताने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। एंड तब तक के लिए आप लोग रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर दोस्तों।